वेलकम टू माई चैनल नील एंड रॉनल। आज मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल और मैं आज क्रिसमस है और मैं गाना गाऊंगा उसके लिए। हम जिंगल बेल याद है, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, ओ वो फन इज टू राइड इन फ्रॉम ऑन दिस ट्री। हे जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, ओ वो फन इज टू राइड इन फ्रॉम ऑन दिस ले, डैशिंग टू द स्नो इन वन हॉर्स ऑन दिस ले, ऑल द फील्ड्स वी गो लाफिंग ऑन द वे, ही बेल्स अप हिज हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल नील एंड रॉनल। रॉनल एकदम क्रिसमस पार्टी के लिए रेडी हो चुका है। ऊपर एक रूफ लाओ। घर के ऊपर जाना है। ये पूरा सांता वाले फीलिंग में आ गया है, ये सांता बन रहा है और इनको कैंडी भी चाहिए। कैंडी भी अपने हाँ। ओके तो गाइज, आज रॉनी सांता बनकर जा रहा है स्कूल, है ना। आज मैरी क्रिसमस बोलो। मैरी क्रिसमस। ये मैरी क्रिसमस, क्रिसमस में टाइम है। और जो लोग सोचते हैं ना कि अरे क्या बच्चे को सांता बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन थोड़ी है। मैं उनसे बस एक ही चीज़ पूछती हूँ, आप न्यू ईयर मनाते हो, 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, अगर आप वो सेलिब्रेट करते हो तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने में क्या प्रॉब्लम है। ये भी तो जो भी फेस्टिवल आपको हैप्पीनेस दे वो आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। अगर वो क्रिसमस लोग कहते हैं क्रिश्चियन का है, तो ये जो 1 जनवरी है वो भी हमारा फेस्टिवल नहीं है, वो भी क्रिश्चियन का ही। हमारा तो आई थिंक दिवाली के दिन को कहते हैं 1 जनवरी। तो एवरी फेस्टिवल इज इक्वल और सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना रॉनल। हाँ बोलो। रॉनल तो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, ठीक है। रॉनल को फेस्टिवल पसंद है, वेरी गुड। चले हाँ। अब स्कूल जा रहा है रॉनल, स्कूल के लिए लेट हो रहे रॉनल को। A few moments later. ये है मॉर्निंग का व्यू। सुबह सुबह बच्चे सारे सांता, छोटे छोटे सांता बनकर आए हैं स्कूल और सारे टीचर्स अभी डेकोरेशन भी कर रही हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सारे बच्चे, क्यूट क्यूट से। एकदम रेडी हो चुकी हूँ रॉनल को स्कूल से लाने के लिए। आज आपको तो पता ही, सुबह में वो क्रिसमस के लिए, क्रिसमस पार्टी के लिए रेडी होके गया है। तो देखते हैं अभी, चलिए हमारे साथ रॉनल के स्कूल, कैसा आज उसका क्रिसमस पार्टी होती है। और घर के लिए भी बोल रहा है कि जल्दी जल्दी डेकोरेट कर दो। और इस बार पता नहीं उसे क्या सुर सवार हुआ है, कह रहा है मम्मा मेरे लिए ओरिजिनल क्रिसमस ट्री कट करके लाना है और उसको हम लोग घर पर लगाएंगे। अब उसे क्या बताया, इंडिया में वैसा क्रिसमस ट्री कट करके लाने वाला था, मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलता है। अब वो देखता है, वो फॉरेन वाले वीडियो जितने भी हैं सब में कट रहे हैं। अब देखते हैं मानता है या नहीं मानता है। मैं सोच रही हूँ अशोक के पेड़ को ही लेके आ जाते हैं, उसी से क्रिसमस ट्री बना देंगे और ओरिजिनल का ओरिजिनल, देखते हैं मानता है या नहीं। सबसे पहले चलते हैं रॉनल के स्कूल, कैसा है स्कूल में क्रिसमस पार्टी। चलिए फिर मिलते हैं। बच्चों की क्रिसमस पार्टी हो गई है और आफ्टर पार्टी इफेक्ट है। ये देखिए इतना सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ था जो कि बाद में सारे बच्चों ने पूरा फैला दिया है, बट बहुत सुंदर डेकोरेशन है। रॉनल तुम अपने कपड़े ने चेंज कर लिए, हैप्पी बर्थडे भी हो गया। किसी बच्चे का बर्थडे, माँ तो उसको बर्थडे मनाया ना। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मंथ एंड वाला बर्थडे है क्या। हाँ रख दो। Thank you.
लो आ जाओ। रानी को मुश्किल से हाफ पहनाया। रानी 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 ऊपर चलो ना बेटा। रानी फिर नहीं करोगे फिर पैंट भी पहना देंगे। युग भी निकाल दिया। आना रानिल 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 प्लीज। नहीं सुन रहे हो ना? नहीं सुन। अरे नहीं उस पे चलो ना एक सॉन्ग गाने के लिए। चीज सारा सारा है ना। चलो चलो अब जिंगल बेल सॉन्ग तो सुना दो। किसको आता है? जिंगल बेल जिंगल बेल ये तो एकदम सांता सांता क्लॉज लग रहे हो। गाइस मैं सोने जा रहा हूँ। मैं स्कूल से आ गया। खाना खा मिल बिस्किट खा जा सो रहे हैं। टीवी भी देख ली। One hour later. Hello guys, welcome to my channel. Nilendra Anil. को पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा ऑन हुआ कि नहीं। पता चल चुका है। रानी सोकर उठ गया और ये है मेरी शाम की चाय। मेरा हम पी लिए। रानी ने पी लिया। अब मैं कलर कर रहा हूँ एग्जाम। एग्जाम का नहीं आज आप क्या सेलिब्रेट किए थे रानी? क्रिसमस। तो आपको होमवर्क भी मिला है क्रिसमस ट्री को पेंट करना है। वाह। और स्टार्स को पहले बस डेकोरेट करना कलर नहीं करना है। ओके। आज स्कूल में मजा आया था आपको? हाँ वैसे भी कि तुमको करना स्टार को ग्लिटर से जहाँ पे तुमको पसंद है करना पेपर ये वो। अच्छा आज स्कूल में क्या क्या किए? मजे किए। मजे किए। मजा आया आपको? हाँ। चलो बढ़िया आप कलर करो ठीक है। हाँ लेकिन पहले स्टार को तो कर ले। ओके रानी। हाँ क्रिसमस ट्री बना लिए? हाँ दिखाओ। हमारा क्रिसमस ट्री। ओह वाओ शो मी। वाह रानी रुको एक मिनट बेटा। नाइस रानी नाइस कलरफुल क्रिसमस ट्री इज रेडी रानी का। गाइस हमको अपना क्रिसमस पार्टी अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। बलून भी हम लेकर आए उधर से। बलून भी लेकर आया और खेल भी रहा है बलून से। वाइट भी कलर है इसका। ओके ठीक है। ठंड बहुत बढ़ गई है ना रानी इसलिए जैकेट पहने। मम्मा भी पहनी है। मम्मा तो डेली पहनती है आपको ही ठंड नहीं लगती है। गाइस बच्चों की आज क्रिसमस पार्टी बहुत अच्छे से हो गई है और इतना अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे एक जैसे सारे सेंटर सेंटर बनकर आए थे। मैं भी दिखाती हूँ सारे वीडियोस आपको भी दिखाती हूँ ब्लॉग में आगे सारा मैं ऐड कर दूंगी। मतलब ऐसा लग रहा था आज सारे बच्चे पहचान में नहीं आ रहे थे। सारे एक साइज के छोटे 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 सेंटर। फ्लैशबैक। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here the tidings. Hello. Hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ha. Ha. You No, I'm your friend. Hello. 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 Merry Christmas! Oh, 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 oh. Merry Christmas! Merry
सेंटा। बाय बाय। आज बहुत सारे सेंटा बने हुए थे रॉनी के स्कूल में। अच्छा लगा बच्चों का, मतलब एक जैसे बन के आए थे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे। मैम भी बनी थी सेंटा। हाँ, रॉनी की मैम भी बनी थी सेंटा। और टॉफी भी मिला था मैम। इधर आके बताइए। और मैम टॉफी भी, और पता है सब लोग को टॉफी दी। सेंटा बनी थी ना, सेंटा तो कैंडी देता है, टॉफी देता है, लेकिन प्रेजेंट का है। ओ मैम से बोलना, मैम आप सेंटा बने थे ना, मेरा प्रेजेंट कहाँ है? वेल इज माय प्रेजेंट मैम। मैम पता है प्रेजेंट को पता है। हाँ। टॉफी बना दी। अब सेंटा की मर्जी वो जो दे है ना। चलिए गाइस मिलते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, हमारा 650 प्लस होने के लिए सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लिया है। और थैंक यू बोलो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओह सिर में टकराना को कौन सा ये लॉजिक है। तो 650 की खुशी में कुछ मीठा तो बनता है ना। गाजर का हलवा बनाए? वो तो बन गया। अभी गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। इसे एक बार बना दिए तो पता है इसको बन गया, फिर से बनाते हैं गाइस। कुछ तो सेलिब्रेशन बनता है, नहीं तो फिर मिलते हैं। ए मेरा बन रहा है सीजन का दूसरा गाजर का हलवा, ये ऑलमोस्ट अब बन ही गया है। ओ वेपर भी आ रहे होंगे। अरे ये है हमारा 650 का सेलिब्रेशन, गाजर का हलवा, और साथ में मैंने बना दिया है छोटे से 3 समोसे 3 लोगों के लिए। कढ़ाई गर्म हो रही है मेरी, कढ़ाई गर्म होके ये समोसा डलेगा। बताओ ये क्या है, टच नहीं करना। आज 650 हुआ ना, 650 का सेलिब्रेशन तो बनता है ना रोनल। समोसा तो घर पे भी आ सकता है, घर पे भी बन सकता है। चलो बनाते हैं। देखो देखो रानी का खुशी देखो, उसको पता नहीं था कि समोसा बना रहे हैं। समोसा बन रहे पापा। ये बन गया। ओ भाई किस बात की खुशी हो रही है रानिल? देखिए देखिए देखिए, बस उसको स्पेशल कुछ भी खिलाते रहिए, वो हमेशा खुश रहेगा। रानिल को यकीन नहीं हो रहा था कि समोसा घर पे ही बन सकता है। एक्चुअली आलू हमारा बॉयल मसाला रखा हुआ था, तो आज वेज रोल बन रहा था तो मैदा भी रेडी है, तो मैं सोची कि रानिल सबको एक समोसा भी खिला देते हैं। रानिल समोसा घर पे ये है पापा का हलवा, ये मम्मा एंड रॉनिल शेयर करेंगे। यस आज आप भी आइए खाइए। कैसे, कौन सा बड़ा वाला? नहीं बताना, सारा इक्वल है। आज फिर से रोहित स्पेशल वेज रोल बना है, ये है रॉनिल का रोल और मैं अपना रोल भी जस्ट बनाऊंगी। रॉनिल मजा आ रहा है, समोसा भी मिल गया, गाजर का हलवा भी मिल गया रॉनिल को। रॉनिल अरे इसमें चिली, मेरे बारे में चिली मत खाओ, अपना खाओ। A few moments later. अब हम खाना खा ले, मम्मी फादर खाना खाएंगे, मम्मी मामा पापा। फादर खाना खाएंगे। फादर कौन बोलता है रानिल? फादर रानिल अपना वेज रोल खा लिया, मम्मा भी और पापा खा रहे हैं, और रानिल वेज खा लिया, खाना खा के रानिल मोबाइल देख रहा है, ज्यादा ही खा लिया लगता है रानिल, है ना। चलिए गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।